सबसे पहले भाई को दिल से राम राम। मैं शेषनाथ नया पुल फरीदाबाद इंडिया से। कंपनी फिटर सीएनजी गाड़ी वायरिंग फॉल्ट है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। पेट्रोल भी नहीं है, सीएनजी पे चेक करते हैं स्टार्ट के डायरेक्ट। देखो जी, इसमें सीएनजी की चेक लाइट और इंजन की चेक लाइट दोनों जल रही है और गाड़ी मिसिंग कर रही है। दिखा छोटे, दिखा गाड़ी को, दिखा गाड़ी किस तरह मिसिंग कर रही है। ये इंजन ऐसे कप रहा है, एकदम धड़ा धड़ा करके, अभी ये बंद हो जाएगा। मैं प्लग भी डाल दिए तीनों हमने और इग्निशन को नहीं डाल दी। तीन नंबर की फिर भी गाड़ी मिसिंग कर रही है। देख सकते हो ये इंजन कैसे कपड़ा है। अब इसमें लगाते हैं हम स्कैनर लगाएंगे, फिर फॉल्ट पता चलेगा किस चीज़ का है। देखो ये स्कैनर है, हमने मंगाया है अमेजोन से OBD2 स्कैनर। ज़्यादा बड़ा काम नहीं करता, लेकिन इतना काम करता है कि आदमी को वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ तक प्रॉब्लम है। अभी हम इसको लगाएंगे फिर चेक करेंगे। ये हमने डिवाइस लगा दिया है और हम इसको अब ये कनेक्ट करने जा रहे हैं ब्लूटूथ से। ये देखो हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको। ये देखो हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया है। अब इसका कोड देखेंगे, कोड क्या आ रहा है। ये सर्च कर रहा है, छोटा है लेकिन टाइम लेता है स्पोर्ट को सर्च करने में, इसलिए। अब लॉन्च का स्कैनर तो है नहीं जो तुरंत स्कैन हो जाएगा, या मारुति का, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा ही लेगा। देखियो भाई कोड दिखा छोटे, ये कोड देखो भाई। सिलेंडर एक नंबर मिस फायर, सिलेंडर दो नंबर मिस फायर, सिलेंडर तीन नंबर मिस फायर। और ये इंजेक्टर कंटिन्यूटी दो नंबर सिलेंडर की है और तीन नंबर दोनों ही, और ऑक्सीजन सेंसर कोड आ रहा है। अब ये है, इसकी इस कंडीशन पे गाड़ी वायरिंग फॉल्ट दिखा रही है। अब हम इसकी वायरिंग उधेड़ेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कहाँ से वायरिंग ब्रेक है और गाड़ी सीएनजी पे प्रॉब्लम कर रही है, पेट्रोल पे सही है। ये देखो इंजन किस तरह धड़ा रहा है, दिखाओ छोटे। और इसका इंजन वायरिंग खोलने जा रहे हैं, वायरिंग ब्रेक है कहीं ना कहीं से, वायरिंग खोल के फिर हम आपको फोल्ट दिखाएंगे कहाँ से वायरिंग ब्रेक होती है। ठीक है, फिर हम खोलते हैं भाई फोल्ट निकल रही। जी देखो ये मैंने, हम लोगों ने आधी ज़्यादा वायरिंग इसकी बिखेर दी है और वायरिंग के लिए इसका इंजेक्टर को खोलना पड़ेगा मैनिफोल्ड। तो ये हम खोल रहे हैं, पहले इंजेक्टर खुलेगा फिर इसका मैनिफोल्ड, फिर इसके नीचे से वायरिंग निकालेंगे हम। सलफ वगैरह अल्टरनेटर की वायरिंग इसके नीचे होती है क्योंकि ये ऐसे निकलता नहीं है। तो ये इंजेक्टर हमने खोल दिया है और इसकी थ्रोटल बॉडी के भी क्या हाल हो रखे हैं देखो। ये है थ्रोटल बॉडी, बहुत ज़्यादा कचरा लग रहा है कि देखो इतनी इतनी मोटी मोटी मिट्टी है, सर्विस भी नहीं हुआ टाइम से आज तक। ये लो जी देखो, हमने इसका मैनिफोल्ड भी खोल दिया है। अब इसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने में थोड़ा बहुत। इसका सीएनजी पाइप निकालते हैं। इसका मैनिफोल्ड भी बाहर आ गया, दिखा दो भाई थ्रोटल बॉडी, दिखा थ्रोटल बॉडी देखो कितना कचरा भरा हुआ है इसके अंदर।
डस्ट। अब हम ये देखो वायरिंग ये पीछे होती है, ये वायरिंग है, मॉइस्चर आ रखा है, ये मैप सेंसर का होता है वायरिंग, इस वजह से ही प्रॉब्लम आ सकती है। और ये दूसरी वायरिंग भी क्रैक है नीचे से। अभी हम वायरिंग पूरी खोलते हैं। ये है सलब के नीचे बकेरी वायरिंग होती है, ये वायरिंग पूरी बाहर निकाल ली है, खोल ली। अब इसमें देखो, अब इसके अंदर ये वायरिंग पहले भी रिपेयर हो चुकी है, अब इसको हम खोलेंगे और इसको प्रॉपर रिपेयर करेंगे, रिपेयर करके फिर लगाएंगे। देखो जी इसमें तीन चार जगह फोल्ट खोलते के साथ में हमें दिख गया। एक तो ये एसी का वायर टूटा हुआ है, दूसरा मैप सेंसर की तार टूटी हुई है। मैप सेंसर तीसरा ये भी तार टूटा हुआ है। अभी और अंदर चेक करते हैं हम तार के इसको। तो भैया वायरिंग हो गई है कंप्लीट। और पहले हमने बताया था कि चार वायर में फॉल्ट निकला था और दो तीन और निकले हैं इसमें फॉल्ट। पहली बात तो ये तीनों इंजेक्टर के वायर एक एक करके दोनों में से टूटा हुआ था, इसका लूज कनेक्शन था। और ये मैप सेंसर की एक तार टूटी हुई थी, हमने अलग से बना के रिपेयर करके डाली है। चार फॉल्ट ये हो गए और दो फॉल्ट इसके अंदर थे। ये देख लो भैया, ये तीन कलर कोड है पेट्रोल की वायर, जो कि ये सीएनजी के ईसीएम में जाती है। इसको ध्यान चेक कर लो, ये तीन है वायर पेट्रोल की जो सीएनजी के ईसीएम में जाती है। इसमें से भी वायरिंग ब्रेक थी एक, जो गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चल रही थी। तो भैया अब हो गई गाड़ी कंप्लीट वायरिंग, अब हम जा रहे हैं इसको फिट करने। तो भैया वायरिंग ये हम लगाने जा रहे हैं, अब कंप्लीट कर दिए, अब लगाते हैं, लगा के कंप्लीट करके फिर आगे की वीडियो हम आपको दिखाते हैं कैसे हो, क्या कंडीशन है गाड़ी की। चलो ठीक है। तो भैया गाड़ी फाइनली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बार बार सब लगा दिया, बस एयर फिल्टर असेंबली रह गई है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं क्या कंडीशन है, देखते हैं कोई लाइट चेक लाइट वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही। कोड वगैरह डिलीट कर लो, एक मिनट सीएनजी कर ले पहले गाड़ी, पेट्रोल है। अब तो डिलीट करना रह गया है, इंजन का साउंड देखा है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारी हो गई है कंप्लीट। अब इसका हम कोड डिलीट करेंगे, कोड डिलीट चेक लाइट रीसेट करेंगे, रीसेट करने के बाद फिर गाड़ी कंप्लीट करेंगे। इंजन का साउंड ओके है, गाड़ी हमारी सीएनजी पॉक की हो गई गाड़ी, कोई मिसिंग नहीं, कोई हंटिंग नहीं। ये हमारा स्कैनर लग गया है और हम कोड को डिलीट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट है। वो लाइट का कोड अभी डिलीट हो जाएगा, देखते रहो आप। ये देखो सर्च कर रहा है, सर्च हो गया, ये हम कर रहे हैं फॉल्ट कोड। छोटा स्कैनर है इसलिए टाइम लग रहा है, लॉन्च का होता तो टाइम नहीं लगता कंपनी का स्कैनर।
दो कोड आ रहा है, कोड को हम रीसेट करेंगे। और लाइट चली गई सारी, मीटर में लाइट दिखाऊं भाई? देखो भैया लाइट सारी चली गई है, मीटर में कोई लाइट नहीं है, कोड रीसेट कर दिया हमने। छोड़ देगा, अब इसे दोबारा हम रिफ्रेश करेंगे, फिर देखेंगे दोबारा कोड तो नहीं दिखा रहा कोई चीज़ का। कोई फॉल्ट नहीं है, गाड़ी ओके हो गई है। ये तो बड़े काम की चीज़ है, बढ़िया टेक्नीशियन के लिए बगैर हम कि ये मंगा लीजिएगा, इससे बहुत सहायता मिलती है हेल्प मैकेनिकों के लिए, मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन कोई भी हो। ये हम कह रहे हैं सस्ता और बढ़िया जुगाड़ है, गाड़ी ओके हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। या वायरिंग का टोटल कॉस्ट खर्चा है ओनली 1500 रुपये। जिस भाई को कॉन्टेक्ट करना चाहे तो ये SK मोटर है और नीचे मोबाइल नंबर है, सियाराम मैकेनिक दो मोबाइल नंबर है, आप इससे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक है जोड़े? ओके, वीडियो के साथ मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। इंजेक्टर क्लीनर का हम बताएंगे जुगाड़ कैसे होगा, सस्ता और देसी जुगाड़।